हाई एवरी वन हु इज़ वॉचिंग मी हेयर ऑन यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हेयर कलर के ब्रांड्स, टॉप 10 ब्रांड्स में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बॉटम से टॉप तक मैं रैंक करूँगी अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से। मैंने ऑलमोस्ट सारे हेयर कलर्स ट्राई किए हुए हैं और आप लोगों के साथ वीडियोज़ बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर देखते रहते। तो आज मैं आपके साथ टॉप 10 हेयर कलर ब्रांड्स शेयर करूँगी और बॉक्स हेयर कलर शेयर कर रही हूँ। प्रोफेशनल वाला हेयर कलर नहीं है, उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जो प्रोफेशनल हेयर कलर होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, ये बॉक्स में हेयर कलर होता है जो कंज्यूमर, आम कंज्यूमर आप इसको बाय करके घर पे खुद से इजीली अप्लाई कर सकते हो। बॉक्स आप लेते हो, इसमें हर चीज़ बॉक्स के अंदर मौजूद होती है, आपको जस्ट मिक्स करके अप्लाई करना होता है। कलर डेवलपर, शैम्पू, कंडीशनर, बाद में सीरम और रिपेयर मास्क भी है कुछ बॉक्सेस के अंदर। बस आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेयर कलर परचेज करना है और इजी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 पे मैंने रैंक किया है कलर मैच के हेयर कलर को। ये आप देख सकते हो इसकी पैकिंग वगैरह कुछ इस तरीके से, यानी कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। ये अच्छा हेयर कलर है और इम्पोर्टेड हेयर कलर का ब्रांड है, लेकिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, बड़े बड़े स्टोर्स में आपको मिलेगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 10 पे रैंक किया था। नंबर 9 पे मैंने रैंक किया है ब्लैक रोज़ हेयर कलर को, आपको ये भी स्क्रीन पे इसकी पैकिंग वगैरह दिख गई होगी। नंबर 8 पे मैंने रैंक किया है ओलिविया हेयर कलर को, इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ शेयर किए हैं, इसका शेड कार्ड रिव्यू वगैरह आप जाके उधर देख सकते हो। फिर उसके बाद नंबर 7 पे मैंने रैंक किया है वेला हेयर कलर को, या पर्पल पैकिंग में जो देख रहे हैं ये वेला हेयर कलर है और इसके साथ भी जो था वो वेला हेयर कलर है, इसके बारे में भी ये अच्छा हेयर कलर है, इसकी वीडियो जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नंबर 6 पे मैंने रैंक किया है बेलिनी हेयर कलर को, ये भी मैंने शेयर किया हुआ है, इसका शेड कार्ड आप मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। इसकी बॉक्स में ये न्यू पैकिंग है, जल्दी आप लोगों के साथ इसके डिफरेंट शेड्स भी शेयर करूँगी। और नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ कौन सा हेयर कलर जो है जिसको मैंने रखा है, वो इजी कलर है नंबर 5 पे, इसका मैंने शेयर किया हुआ है, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा है और मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ इसका कोई शेड शेयर करूँगी। इसके प्रोफेशनल कलर भी हैं और बॉक्स पैकिंग में भी ये है, मैंने शेयर किया हुआ है प्रोफेशनल हेयर कलर भी। नंबर 4 पे गार्नियर हेयर कलर को मैंने रैंक किया है, इसका शेड कार्ड वीडियोस काफ़ी शेड्स मैंने इसके शेयर किए हैं, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट कलर जो यहाँ पे हेयर कलर का ब्रांड जो मैंने रैंक किया है नंबर 3 पे, वो कौन सा है, वो है जी रेवलॉन का, इसका भी शेड कार्ड और रिव्यूज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हेयर कलर जो नंबर 2 पे मैंने रैंक किया है वो है जी लॉरियल का, और लॉरियल में कास्टिंग हेयर कलर है और लॉरियल एक्सीलेंस हेयर कलर है, इसका भी शेड कार्ड मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हो, इसका रिव्यू मेरे चैनल पे नहीं है, वो भी जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और फाइनली आप सब कह रहे होंगे नंबर 1 ब्रांड कौन सा है, तो नंबर 1 ब्रांड है जी क्यूने का, बट मेक श्योर ओरिजिनल क्यूने की प्रोडक्ट हो, ओरिजिनल क्यूने हेयर कलर जो है बेस्ट हेयर कलर है। इनके प्रोफेशनल हेयर कलर ये नीचे ट्यूब्स आपको दिख रही होंगी, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इनका बॉक्स वाला हेयर कलर है उसको मैंने नंबर 1 रैंक किया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसे मैंने टॉप 10 हेयर कलर ब्रांड आप लोगों के साथ शेयर किए। होपफुली आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको होगा या कोई हेयर कलर आपने बाय करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ज़रूर मेरे से आप पूछिएगा, मैं नंबर नीचे दे दूँगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।